गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू द कंटिन्यू पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर टेन वर्ल्ड टेल्स स्टोरीज सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है अरेंजमेंट फॉर वाटर द पिक्चर शोन हेयर इज मेड ऑफ्टर सींग अल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर सो इसमें बताया है ये जो पिक्चर है उस टाइम की है जिस टाइम में हम फाइव हंड्रेड ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं उस टाइम की पिक्चर शो है उसमें ये कुछ पेंटिंग है बुलक्स बुलक है बुलग काट हैं बुलग्स पानी को ड्रा करने में यूज़ होती हैं यूज यूर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव्स वेन दी बुलक्स मूव इन विच डायरेक्शन वुड दी टूथ व्हील मूव बुलक्स चलेंगी मूव करेंगी हमारा ड्रम अटैच्ड है वो मूव होगा तो वो किस डायरेक्शन में हमारा रोड से कनेक्ट है कौन से डायरेक्शन में टूथ व्हील मूव करेगा so look this pool shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it page number 95 pe diya hua hai what a sad sight talking whistling and listening to our own echo we were walking through this mehrab arch so yahan pe diya hua hai this is the mehrab arch जो kids थे वो enter कर रहे थे आर्च की places क्या होती हैं आर्च जो गुफा होती है वहाँ आवाज़ गूंजती है बच्चे सीटी बजाते हैं तो वो जोर जोर से बोलते हैं तो उनको अपनी आवाज़ गूंजती है और उनको बहुत ही वहाँ पे मज़ा आता है सो so, श्रीधर कहता है ओ द ब्रिज फील्स सो कूल इन दिस टनल टनल जो होता है वो क्लोज प्लेस होता है वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लगती हैं सैलेजा इट वॉज़ रिटर्न डैट सोल्जर्स स्टेड है अब यहाँ पर लिखा हुआ है सैलेजा कहती है टनल में जो है सोल्जर्स रहते हैं श्रीधर कहता है सी दिस बोर्ड बट लुक वॉट दी वॉल इज लाइक श्रीधर कहता है ये वॉल्स कैसी लग रही हैं सैलेजा ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय इट हैज सीन किंग्स एंड किंग्स हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स वार एंड पीस बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर सैलेजा कहती है ये वॉल्स ने काफी कुछ देखा है थाउजेंड ईर्स में किंग्स देखे हैं क्वींस देखी हैं, हॉर्सेस एलिफेंट्स देखे हैं वार देखा है पीस देखा है बट हमने कुछ ही टाइम में इस वॉल्स को खराब कर दिया कल्याणी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ फंड गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर प्लेस लाइक दिस कल्याणी कहती है हम वॉल्स पे नाम लिख देते हैं तो वहां की ब्यूटी फिनिश हो जाती है गोइंग टू द म्यूजियम अब म्यूजियम की ओर चलते हैं तो म्यूज़ियम यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ्टर सिंह गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद मैनी ओल्ड टाइम्स आर कीप्ड देयर मैनी थिंग्स वर फाउंड वैन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग लाइक पॉट्स ज्वेलरी सॉर्ट्स एसेट्रा तो यहाँ पे बताया हुआ है हैदराबाद में ही एक म्यूज़ियम था जहाँ पर बच्चे गए बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं वो कह रहे थे जब गोलकोंडा के आसपास खुदाई की गई वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आज की चीज़ों से काफ़ी अलग हैं यहाँ तक कि जो पॉट्स हैं ज्वेलरी हैं ये सारी चीज़ें भी आ, उस टाइम से बहुत अलग है और इसलिए यहाँ म्यूज़ियम में रखी गई हैं सैलेजा कहती है ओ, वाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स कीप्ड इन दी सी डैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ़ ब्रॉन्ज डेट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ़ सिरेमिक क्ले तो सैलेजा कहती है पॉट्स के टूटे हुए पीस भी यहाँ अलमरा में क्यों रखा गया है वो ये देखो छोटी प्लेट्स यहाँ पर ये ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं वो देखो वहाँ ब्लू पीस वो क्ले का बना हुआ है तो दीदी कहती है इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स डेट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लाइव वॉट दे यूज एंड वॉट थिंग्स दे मेड इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन कीप्ड हेयर हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स दीदी कहती हैं आज के टाइम पे भी हमें वो चीज़ उस टाइम की मिलती है हम उन सभी चीज़ों को संभाल के म्यूज़ियम में रखते हैं ताकि उस टाइम लोग चीज़ें यूज़ करते थे वो हम देख सकें उसके बारे में हमें पता चल सके किस तरह की चीज़ वो बनाते हैं अपनी यूज़ के लिए वो भी पता चल सके यदि वो चीज़ ना रखी होती तो हमें कैसे पता चलता कि ब्रॉन्स की प्लेट्स भी यूज़ करते थे सो नेक्स्ट पेज है make your own museum rajni teaches in a government school in malapuram district in kerala together with the children of her class she has collected many old things from all the houses like old walking sticks locks umbrellas wooden slippers pots etc they also say what these things look like today rajni and the children put up an exhibition which people from the neighbourhood came to see यू कुड ऑल्सो डू दिस तो यहाँ पे बताया है केरला में एक टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीच करती हैं उनका नाम रजनी है अब उन्होंने एक काम की बात सोची जिसमें उन्होंने सोचा हम भी एक म्यूज़ियम बनाएंगे जिसमें पुरानी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें संभाल के रखेंगे तो सभी घरों से उन्होंने पुरानी चीज़ें इकट्ठी करवाई पुरानी स्टिक्स बड़े बड़े ताले भारी भारी ताले और बड़ी बड़ी छतरियाँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की चप्पलें मटके ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगवाई, इकट्ठी करी फिर उन्होंने ध्यान दिया इन्हीं चीज़ों को आज के टाइम पे कैसे यूज़ किया जाता है आज भी अम्ब्रैला है छतरी छोटी सी हो जाती है और हम उसको बहुत ईजली कैरी कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पेंटिंग एंड टेल दिस पेंटिंग इज़ 500 फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड इट्स आगरा फॉर बींग कंस्ट्रक्टेड

ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटो में देख सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और कितने मैन हैं कितने वूमैन हैं किस तरीके से इन लोग काम कर रहे हैं स्लोप बना के और ये जो पिलर है इसको लेके जा रहे हैं यहाँ सीधे तरीके से क्यों नहीं खींचा गया टेढ़ी स्लोप क्यों बनाई जा रही है इस तरीके के क्वेश्चन हम सब चीज़ों को देख के आ, कर सकते हैं तो ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश थैंक यू एवरीवन